नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार के भागलपुर से पटना तक एक पत्नी ने पति को बचाने में सब कुछ छोड़ दिया। पति तो नहीं बचा, लेकिन उस दौर की यादें कोरोना से ज्यादा खौफनाक है। रुचि शर्मा नाम की ये महिला अपने पति की जान बचाने के लिए 26 दिनों तक भागलपुर से पटना के अस्पतालों में थक्के खाती रही। उनके पति की जान तो बची नहीं, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का डरावना और दर्दनाक अनुभव जरूर मिल गया। महामारी लोगों को न केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर तोड़ रही है, बल्कि इस समय मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही कहानी है रुचि और रोशन की। रुचि 26 दिन तक अपने पति रोशन के लिए अस्पताल के कुप्रबंधन से लड़ती रही, लेकिन फिर भी अपने पति को बचा न सकी। सुनिए रुचि की ही जबानी। मेरे हस्बैंड पॉटी करके यूरिन पास करके चार चार घंटा दस दस घंटा पड़े रहते थे, कोई क्लीन नहीं करता था। वो फ़ोन करके बोल नहीं पा रहे थे, मेरे हस्बैंड फ़ोन करके मुझे बुलाते थे। मैं जाती थी, मैं क्लीन करती थी। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है और ज्योति कुमार जेंट्स है वो, ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया, मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर। लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला ज्योति कुमार ने कि अब ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का।